हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, डी सी बी ए का रिलेशन है डब्ल्यू एक्स वाई जेड से, आई जे के एल का रिलेशन किससे होगा? देखिएगा, जब मेरे पास ये संख्या है और इसका रिलेशन मुझे इससे बनाना है तो मुझे ये पता है ए मेरा एक नंबर पे आता है, बी दो नंबर पे आता है, सी तीन नंबर पे आता है, डी चार नंबर पे आता है, ये तो कन्फर्म है। और रिलेशन मेरा इससे दिया गया, ठीक है, यानी कि इनको मैं नीचे बढ़ा लेता हूं, नंबर इससे यानी कि डब्लू एक्स वाई और जेड से रिलेशन है। भाई इसका जो रिलेशन है डी सी बी ए का डब्लू एक्स वाई जेड से है। जब मैंने डी सी बी ए को नंबर दे दिए कि कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है तो मुझे ये पता चल गया ए एक नंबर पे, बी दो नंबर पे, सी तीन नंबर पे, डी चार नंबर पे, और इनका जो रिलेशन है वो डब्ल्यू एक्स वाई जेड से। अब मेरी बात ध्यान रखना, जब मैं अल्फाबेट में स्टार्टिंग से चलता हूं ए की तरफ से तो ए मेरा एक नंबर पे आता है, और जब मैं पीछे से चलता हूं तो Z एक नंबर पे आता है, बी मेरा स्टार्टिंग से दो नंबर पे आता है, और जब मैं पीछे से चलता हूं लास्ट से तो दो नंबर पे Y आता है। स्टार्टिंग से चलूंगा तीन नंबर पे C, लास्ट चलूंगा तीन नंबर पे X। तो इसमें हमें यह पता लग गया कि जो अल्फाबेट हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं उन्हीं का अपोजिट जो लास्ट से होता है उनको साथ में लेके चल रहे हैं, और ये मेरा बन गया। बिल्कुल वैसे ही इसका भी आप बना लोगे, आई नौ नंबर पे आता है, जे दस पे, के 11 पे और एल 12 पे। अब देखिएगा लास्ट से 12 नंबर पे कौन आता है, लास्ट से 12 पे आता है आपका ओ। अब मैं इस ऑप्शन में चेक करूंगा कि लास्ट वाला ओ किस में है, लास्ट में एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में ओ है, मेरा आंसर आ गया। मैं क्यों ज्यादा समय वेस्ट करूं, मुझे इकाई अंक से ही पता चल गया कि ओ एक ही ऑप्शन में आना है, दूसरे में आना ही नहीं है, दिया ही नहीं गया, तो मैं दूसरा ऑप्शन क्यों चेक करने लगा, चाहो तो कर सकते हो। लास्ट से देखिए 11 नंबर पे कौन आता है, पी, 10 नंबर पे क्या आता है, क्यू, और 9 नंबर पे क्या आता है, आर। तो देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर क्यू पी ओ ये बनेगा, ठीक है, तो आपका आंसर मिल गया सभी को। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 9 का रिलेशन 24 से है तो देखिए क्वेश्चन मार्क है यहां पर, इसका रिलेशन 6 से कैसे बनेगा? आसान सा सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। देखिएगा 9 से 24 आपको बनाना है। सीधा सीधा सा सवाल अगर मैं कहूं कि इस 9 का गुणा अगर आप 3 से कर दो तो 27, और उसमें से माइनस 3 कर दो तो 24 बन जाएगा। तो यहां पे ऐसी कौन सी संख्या रही होगी जिसका गुणा मैं 3 से करूंगा और फिर माइनस 3 करूंगा तो मुझे 6 मिलेगा, यही तो संख्या को समझना है, ठीक है, क्योंकि 9 का 3 से गुना करेंगे 27, माइनस 3 करेंगे 24। ऐसी यहां पर कोई संख्या होगी, लॉजिक तो वही लगेगा, गुने 3 माइनस 3, तो यहां भी गुने 3 माइनस 3। तो देखिएगा अगर मैं एक लेता हूं तो एक का गुना 3 से करूंगा, 3 माइनस 3 करूंगा 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दो को लूंगा, 2 3 6, 6 में से माइनस करूंगा 3 बचेगा, लेकिन आना कितना चाहिए 6, ये भी नहीं हो सकता। 5 ले लूंगा, 5 3 15, 15 में से माइनस करूंगा 3, 12 आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए 6, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 3 ले लो, 3 का गुना 3 से करेंगे 9, 9 में से माइनस करेंगे 3 तो 6 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है और सभी को समझ में भी आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यदि 256 का अर्थ लाल रंग चाक, 589 का अर्थ हरे रंग फल तथा 245 का जो अर्थ है वो सफेद रंग चाक होता, बताओ सफेद को किस अंक से संकेतबद्ध किया गया है? सबसे पहले हमारे पास 256 यानी कि 256, इसका क्या अर्थ दिया गया है, लाल रंग चाक, यही तो है। दूसरा है हमारे पास 589, इसका किससे दिया गया है, हरे रंग फूल, हरे रंग फूल। तीसरा है हमारे पास 245, 245 इसका संबंध है सफेद रंग चाक से। अब हमें इसमें कॉमन देखना है, सबसे पहले इस वाली रो में और इसमें कॉमन देखो, इसमें भी रंग है और इसमें भी रंग, ये कॉमन है, ठीक है, तो देखो यहां पे भी क्या कॉमन है, यहां 5 कॉमन है, यहां 5 कॉमन है, इसका मतलब 5 का जो अर्थ है वो रंग से है, 5 का जो अर्थ है वो रंग से है। अब रंग यहां पे भी है तो यहां पे भी 5 दिया गया, मतलब 5 का अर्थ रंग से है। दूसरी चीज आप इसमें कॉमन देखो, यहां भी चाक है, पहले वाले में, लास्ट वाले में चाक है, तो पहले और लास्ट में क्या कॉमन है, पहले और लास्ट में देखो 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी, यानी कि 2 कॉमन है, तो 2 का अर्थ हो जाएगा यहां चाक, तो यहां पे भी 2 का अर्थ हो जाएगा चाक, ठीक है। हमसे पूछा गया था सफेद रंग चाक हो तो सफेद को किस से संबंधित करेंगे, सफेद को, अब देखो 5 का हो गया रंग, 2 का हो गया चाक, तो हमें सफेद का बताना, तो सफेद के लिए हम क्या लेंगे, 4 नंबर लेंगे, तो
तो सफेद को किससे संकेतबद्ध करेंगे, चार नंबर अंक से संकेतबद्ध करेंगे। समझ में आ गया सभी को? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, पांच मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, हमारा जो एस है ये बैठा है टी और क्यू के बीच में, लेकिन मुझे ये नहीं पता टी इधर है या क्यू इधर है, ये तो पता नहीं है ना अभी। चलिए, पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, यानी कि टी और क्यू के बीच में, ये ले लिया मैंने क्यू के बीच में। क्यू बैठा है आर के निकट, क्यू बैठा है आर के निकट, ये जो क्यू है ना ये आर के निकट है, तो आर इसके पास होगा इधर, अगर इधर की साइड में लूंगा मैं तो इधर की साइड में तो एस है निकट, तो आर इधर होगा निकट, ठीक है। क्यू बैठा है आर के निकट बाई ओर, तथा पी बैठा है टी के निकट बाई ओर, टी बैठा है पी के निकट, ये पी के निकट बैठा है दाई ओर। अब हमसे क्या पूछा है, बीच में कौन बैठा है, और बीच में तो हमारा एस ही तो है, बीच में तो हमारा एस है, पहला ऑप्शन सही जवाब हो गया, एस बीच में बैठा हुआ है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक जन्मदिन पार्टी में पांच मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, एम बैठा है, एम बाई ओर है ओ के, जो एम है ना, जो एम है, जो एम है ये बाई ओर है ओ के, तो ओ यहां पे होगा, इसका बायां ये होगा, ठीक है, इसका बायां ये होगा, बाई ओर है ओ के, और दाई ओर है पी के, ये जो हमारा एम है ना ये बाई ओर है ओ के और दाई ओर है पी के, तो पी यहां पे होगा, इसका दायां ये होगा, तो एम जो है ओ के तो बाई ओर हो गया, पी के दाई ओर हो गया, ठीक है, दाई ओर है पी के। एस बैठा है दाई ओर टी के, एस बैठा है दाई ओर टी के, लेकिन यहां पे अभी टी और एस नहीं आया है, किंतु बाई ओर पी के, अब समझ में आ जाएगा, एस बैठा है दाई ओर टी के किंतु बाई ओर पी के, तो जो हमारा एस है ना पी के बाई ओर बैठा है, एस जो है ये पी के बाई ओर बैठा, तो पी का बायां ये हो जाएगा, और कहां बैठा है टी के दाई ओर है, तो हमारा टी के दाई ओर हो जाएगा एस, टी के दायां ये हो जाएगा एस। एस बैठा है दाई ओर टी के किंतु बाई ओर पी के, तो बीच में कौन बैठा है, पूछा गया बीच में कौन बैठा है, तो यहां भी पांच व्यक्तियों के बीच में आपका पी बैठा हुआ है, ये आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा पी, जो कि सी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, छह माह बाद बी ने इससे दोगुनी पूंजी लगाई, तथा आठ महीने बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई, वर्ष के अंत में 27,000 के कुल लाभ में से सी का भाग कितना होगा। ए बी और सी तीन व्यक्ति हैं भाई, ठीक है, ए ने कुछ व्यक्ति, ए ने बोला ना मिलकर आरंभ किया, ए ने कुछ पूंजी लगाई, ए ने कुछ पूंजी लगाई नहीं पता कितनी, एक्स मान लेते हैं, एक्स लगाइए कितने समय के लिए लगाइए, वर्ष के अंत में यानी कि 12 महीने के लिए। फिर बी ने उससे दुगनी पूंजी लगाई है, ए ने एक्स लगाई तो बी हमारा 2x लगाएगा दुगनी पूंजी के लिए, ये भी कब के लिए लगाएगा, ये 6 महीने बाद आया है ना, तो एक साल में से 6 महीने बाद आया तो इसकी पूंजी 6 महीने के लिए रहेगी। सी ने तीन गुनी पूंजी लगाई है मतलब 3x हो जाएगा, ये कितने महीने बाद, 8 महीने बाद, 12 में से 8 महीने बाद आया तो 4 महीने ही तो बचे, ये केवल 4 महीने के लिए आया है, केवल 4 महीने के लिए आया है, तो ये 12x हो जाएगा, ये 6 दुनिया का 12, ये 4 3 12, ये भी 12 12 हो गया, तो कटेगा 12 कम 12 12 कम 12 12 कम 12। अब हमारे पास जो कुल योग मिल रहा है फायदे का वो 27,000 है, अनुपातिक योग 1 2 3 अनुपात का योग 3 है, 3 × 27 = 0 यानी कि 9,000 हो गया। पूछा क्या है भाई, पूछा क्या, उसने पूछा है सी का भाग कितना, तो सी का रेशियो 1 है, तो सी का रेशियो 1 है, 9 × 1 से कर दो तो 9,000 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको सभी को अच्छे से समझ में यहां पे आ गया होगा। देखो ये तो कट जाते हैं, ये एक्स है, ये एक्स है, ये तो कट जाते हैं अनुपात में, एक्स से एक्स सभी कट जाएंगे, तो 12 12 ही बचेगा। सभी को क्लियर हो गया ना, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।